हेलो डियर पेरेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर यूपी सैनिक स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, किस बच्चे का वहाँ एडमिशन हो सकता है, कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, कौन कौन से स्टेट के बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको यूपी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल का पूरा डिटेल। सबसे पहले आपको अगर यूपी सैनिक स्कूल के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसका ऑफिशियल वेबसाइट का बात करते हैं। तो गूगल में आपको सर्च करना होगा यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल जैसे ही आप सर्च करेंगे, ओके, तो आपको पहला सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। यूपी सैनिक स्कूल का जो वेबसाइट है वो यूपी सैनिक स्कूल .org, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, यूपी सैनिक स्कूल के बारे में अगर हम बात करें पूरा जानकारी, तो सबसे पहले एडमिशन के रिलेटेड कि कौन कौन सी क्लास में और कैसे एडमिशन होता है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा यूपी सैनिक स्कूल पे। अगर आप देखेंगे कि व्हाट्स न्यू यहाँ पे, कि अभी नया क्या है, तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम, एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 10 सेप्टेम्बर। इसका मीनिंग ये है कि 10 सेप्टेम्बर को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसका लास्ट डेट क्या है, कैसे, कंप्लीट जानकारी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 और 9। मीन इस साल जो यूपी सैनिक स्कूल के लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो क्लास 6 और 9 के लिए आई हैं। हर साल यूपी सैनिक स्कूल के लिए वैकेंसी अलग अलग रहता है। पिछले साल यूपी सैनिक स्कूल के लिए क्लास फिफ्थ में एडमिशन के लिए, 6th में एडमिशन के लिए वैकेंसी आई थी। उससे पहले यूपी सैनिक स्कूल में क्लास 7th में एडमिशन होता था। इस साल क्लास 6 और 9 के लिए यूपी सैनिक स्कूल में वैकेंसीज है। ओके, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब अप्लाई करने से पहले यूपी सैनिक स्कूल का जनरल इसका इंस्ट्रक्शन क्या है वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप कैसे यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जनरल इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ये यूपी सैनिक स्कूल के ऑफिशियल नंबर है, उन पर आप कॉल करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये है यूपी सैनिक स्कूल के इंस्ट्रक्शंस, पूरी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप देखेंगे। ओके, हम इसको रीलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ये लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आ गया। हम डाउनलोड करके अच्छे से इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर देता हूँ, वेट अ मोमेंट। यस, अब ये सेव हो गया। चलिए, ये हमें डेस्कटॉप पे मिलेगा इंग्लिश इंस्ट्रक्शन। अभी ओपन हो रहा है, अभी पूरा डिटेल हम देखते हैं इसका क्या है। ओके, तो ये है यूपी सैनिक स्कूल का पूरा डिटेल। वन बाय वन हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए, यूपी सैनिक स्कूल जो है ये कैप्टन मनोज पांडे स्कूल है। ओके, उनके नाम पे स्कूल चल रहा है। वन एक स्कूल जो है अभी जो न्यू ब्रांच ओपन हुई है वो गोरखपुर में है यूपी सैनिक स्कूल का। ओके, और जो पुरानी ब्रांच है वो कहाँ पे है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर दोनों जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इनको यूपी गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। ये यूपी सैनिक स्कूल यूपी गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में आते हैं। ओके, जो सैनिक स्कूल है 33 उनको सैनिक स्कूल सोसाइटी कंट्रोल करती है, उनके अंडर में आता है। और लेकिन यूपी सैनिक स्कूल को यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सबसे पहले आपको बता दें, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल एंड लखनऊ एंड सैनिक स्कूल गोरखपुर यूपी रन्स अंडर द एजेंसी ऑफ यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी। ओके, और इसको कौन कंट्रोल करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, जो मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली। ओके, इनका जो मेन फोकस है वो है एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना, बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। ओके, और सीबीएसई एफिलेटेड है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, कैसे, नहीं, ये सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं लेकिन यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ओके, इनको कौन बच्चा इनको अप्लाई कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कौन स्टूडेंट इनको अप्लाई कर सकता है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आपके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले हैं, तो बच्चों आप इस स्कूल को अप्लाई कर सकते हैं। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो आपके पास में यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, हिंदी में इसको मूल निवास सर्टिफिकेट भी बोलते हैं।
कि आप कहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं। अगर आप परमानेंट रहने वाले यूपी के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूपी से अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है इसके लिए, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या है, वो यहाँ पे गिवन है। क्लास 6 में जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016, दोनों डेट इंक्लूड है, 2 जुलाई को भी है या फिर 1 जनवरी 2016 को है, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। क्लास 9 के लिए 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013, तब तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ क्लास 6 के लिए ओनली बॉयज में एडमिशन, बॉयज का ही एडमिशन होगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होगा, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 9 के लिए दोनों ही स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब एडमिशन लेने का कंडीशन देखिए, अगर आप क्लास 5th पास हैं तो आप क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 8th मीन जो बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है, क्योंकि एडमिशन अप्रैल में होने, तो ऑब्वियसली आप मार्च में एग्जाम दे करके अपना 5th क्लास पास कर लेंगे, तो एडमिशन के टाइम में आपका 5th क्लास पास हो जाएगा, तब आपका क्लास 6 में एडमिशन होगा। ओके, और जो बच्चा अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है वो 9th के लिए अप्लाई कर सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। ओके ठीक है, ये कब पास होना चाहिए, देखो लिखा हुआ है कब पास होना चाहिए, 20 मई 2025, यानी जब आपका एडमिशन अप्रैल में हो जाएगा तो आपको लास्ट डेट दी जाएगी कि 20 मई से पहले आपको आपका जो टीसी है स्कूल का और रिपोर्ट कार्ड है वो आपको सबमिट करना होगा एडमिशन के लिए। 20 मई 2025 तक आप पास हो जाने चाहिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की हम बात करें कि रिजर्वेशन क्या है, 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, टोटल 21% एससी के लिए रिजर्व है, 2% एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं और 10% जो है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर क्लास 9th बॉयज, ये कुछ सीट्स जो हैं वो पेड सीट्स भी होती हैं। ओके, फाइनेंशियल सीट इनको बोलते हैं, वो सिर्फ क्लास 9th के लिए अवेलेबल है। ओके, तो ये चीजें आप अच्छे से डिटेल देख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा, देखो एडमिशन का जो स्कीम है, सबसे पहले ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मीन एमसीक्यूज टाइप में होगा। ओके, कंप्लीट रिटन एग्जामिनेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पे फिर जो आपका रिजल्ट बने, देखो सबसे पहले एग्जाम का रिजल्ट आएगा, एग्जाम के रिजल्ट के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो एग्जाम पास करेगा उसी मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के बाद भी आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है, इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद भी आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को भी पास करना होगा, आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकली फिट हो जाएंगे, सारे स्टेप्स क्रॉस कर लेंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट सारे आपके सही होंगे, तब आपका एडमिशन हो जाएगा फीस सबमिट करने के बाद। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहते हैं इनके, कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं, देखिए आगरा, अयोध्या, बरेली, तो ये आप अपने नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो 1,000 रुपये लगेगा आपका, 1,000, और उसके बाद अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करते हैं, मीन 25 अक्टूबर तक अगर आप नहीं फिल कर पाते हैं किसी वजह से, तो फिर आपको दोबारा चांस दिया जाएगा 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक, आप 2,000 रुपये जो है एग्जामिनेशन फीस के पे करके आप अपना लेट फीस के साथ में एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो ओनली ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसके लिए या कोई अदर मीन से कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब स्टेप्स देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको करना है, करेक्शन विंडो क्या रहेगी, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखें, आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद में उसका प्रिंट आउट होना जरूरी है, अगर प्रिंट आउट एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। करेक्शन विंडो की बात करें, अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसका आप करेक्शन 8 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 के बीच में आप अपना जो है करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन में क्या क्या एडिट कर सकते हैं वो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म उसमें आप अपना नेम और क्लास और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते, देखिए ठीक है,
एप्लीकेशन कैन एडिट द डिटेल फ्रॉम द फॉर्म। अच्छा देखो, ये नहीं कर सकते आप, नेम चेंज नहीं कर सकते, अपना क्लास चेंज नहीं कर सकते अगर उसमें कोई गलती है, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड जो आपका है वो 5 दिसंबर 2024 के बाद रिलीज होगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको एग्जाम का भी डेट मिल जाएगा, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे दिया गया एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्या है? 29 दिसंबर एग्जाम डेट है, संडे को आपका एग्जाम होगा ये। उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू ठीक है, वो 10 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच में होगा। उसके बाद में आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से 20 मार्च 2025 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में स्कूल का फीस की बात करते हैं, नॉर्मल स्कूल फी इज 50,000 पर एनम, ये फीस है 50,000 रुपये एक साल की फीस है यूपी सैनिक स्कूल की। ओके, ये नॉर्मल फीस है। उसके बाद में जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ चार्ज होगा तो उसके लिए आपको स्कूल में कंडक्ट अपना कॉन्टेक्ट करें, वहां से आप पूरा डिटेल पूछें। डॉक्यूमेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये यूपी का होना चाहिए आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन से कास्ट से, कौन से कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया, एससी से किया, एसटी से किया, ओबीसी से किया, ईडब्ल्यूएस या जनरल के लिए किया है, वहां से होगा। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ठीक है, जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्लैरिफाई हो सके। तो ये सारी चीजें हैं एडमिशन के लिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या चीजें कैसे फिल करनी है, ये आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो हम यहाँ देखते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे आपने क्लिक किया यूपी सैनिक स्कूल का अप्लीकेशन फॉर्म, आप क्लिक क्लिक करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे बीच में पूछ रहे हैं सर कोचिंग कैसे करें, तो यूपी सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9541079129 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे ठीक है, एक बार के लिए आपको कोई भी अपना आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी फोन नंबर आईडी वगैरह आपने डाल दिया, वहां से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पास में डिटेल्स आएगी, उसके बाद में आप अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मेरा ठीक है, देखते हैं, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा नाम है सूरज, हालांकि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए आपको डेमो अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 7 9 ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना, कोई भी डेमो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक है। क्लास 6 के लिए कैप्चा मैंने फिल कर दिया 7, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में पासवर्ड आ जाएगा, वन टाइम जो है पासवर्ड यहाँ पे आएगा, उसको आपको मोबाइल नंबर पे ये सेंड होगा, मोबाइल नंबर से इसके ऊपर आपको एंटर करना है। सपोज करो आपने एंटर कर दिया, सबमिट हो जाएगा ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास नहीं, मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ इसको, तो बस ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, ईजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, ये चीजें। अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। ओके, आप हमारे पास कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपको कोचिंग करना है यूपी सैनिक स्कूल का, तो 9541079129 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूरा डिटेल ले सकते हैं यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड। थैंक यू।